गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। आज हम आप लोगों को संस्कृत में एकादश पाठ यानी अध्याय 11, लेसन 11, अस्माकं भारतवर्षम, यानी लेसन 11 पढ़ाने जा रही हूँ। एकादश पाठ उस चैप्टर लेसन 11 में क्या है, अस्माकं भारतवर्ष यानी हमारा देश। हम अपने देश के बारे में जानेंगे आज, हमारे देश में क्या है नहीं है ये सब के बारे में आज जानेंगे। तो क्या है, अस्माकं देश भारतवर्ष महान देश अस्ति। हमारा देश भारतवर्ष है, क्या है, महान देश है, सब देशों में बड़ा और सब देशों से अच्छा है। हमारा भारत देश सारे दुनिया में सबसे अच्छा देश है। प्राचीन काले अस्य देशस्य नाम आर्यावर्त आसीत। हमारे देश का पहले का नाम, प्राचीन समय, पुराने समय पीछे, बहुत पहले प्राचीन समय में हमारे देश का क्या नाम था, आर्यावर्त। क्या नाम था, आर्यावर्त। उत्तरस्याम दिशि गिरिराज हिमालय अस्ति। हमारे देश के उत्तर दिशा में क्या है, हमारे देश के उत्तर दिशा में हिमालय पहाड़ है। क्या है, गिरिराज यानी पर्वत। तो क्या है, हमारे देश के उत्तर दिशा में हिमालय पहाड़ है। शह भारतम प्रहरी इव इरक्षति, जो वह देश, वह पहाड़ जो है, सो क्या है, हमारे देश का प्रहरी का काम करता है, पहरेदार का काम, प्रहरी यानी पहरेदार का काम करता है, हमारे देश की रक्षक की तरह खड़ा है। वो हिमालय पहाड़ हमारे देश में रक्षक की तरह खड़ा है, दुश्मनों को आने नहीं देता है, दुश्मनों का सामना करता है। दुश्मन पहाड़ को, हिमालय पहाड़ पर आने के लिए बहुत दुश्मनों को सोचना पड़ेगा, बहुत हिम्मत जुटाना पड़ेगा, तब आएंगे। इसलिए वो हिमालय पहाड़ जो है हमारे देश के लिए प्रहरी का काम, पहरेदार का काम करता है, हमारे देश की रक्षा करता है। दक्षिणश्याम दिशि विशाल जल निधि हिंद महासागर अस्ति। तो हमारे देश के दक्षिण दिशा में क्या है, विशाल हिंद महासागर है, जलों से भरा हुआ विशाल क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम तो आप लोग SST में पढ़े होंगे। तो क्या है, हमारे देश के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। श अपि इमं शत्रुभ्यं रक्षति, जो क्या है, हमारे शत्रुओं से रक्षा करता है, दूसरे विदेशियों से रक्षा करता है, दूसरे देश के जो शत्रु जो हमारे देश पे जो आक्रमण करने के लिए सोचते रहते हैं, लड़ाई करने के लिए सोचते रहते हैं, उनसे क्या करता है, रक्षा करता है। अत्र गंगा यमुनयो नद्यो जलम शुद्धा सदृश्यम प्रवहति। हमारे देश में यहाँ पे क्या है, हमारे देश में क्या है, गंगा यमुना नदी बहती है, जिसका शुद्ध जल हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, और ये सुंदर शुद्धा अमृत, जिसका जल क्या है, अमृत के समान प्रवाहित होता है, अमृत के समान है, जिसका जल क्या है, अमृत के समान है। गंगा यमुना नदी बहती है हमारे यहाँ, जिसका जल जो है सो अमृत के समान है। तो बच्चों, आज मैं इतने का ही आप लोगों को अर्थ समझाई हूँ। आप लोग इसको फिर से अपने घर पे रिवीजन कीजिएगा, कैसे पढ़ेंगे वो मैं पढ़ के फिर से बता रही हूँ। अस्माकं देश भारतवर्ष महान देश अस्ति। अस्माकं देश भारतवर्ष महान देश अस्ति। प्राचीन काले
अस्य देशस्य नाम आर्यावर्तः आसीत्। प्राचीन काले अस्य देशस्य नाम आर्यावर्तः आसीत्। उत्तरस्याम दिशि गिरिराजः हिमालयः अस्ति। उत्तराम दिशि गिरिराजः हिमालयः अस्ति। सः भारतं प्रहरी इव रक्षति। दक्षिणस्याम दिशि विशाल जलनिधि हिंद महासागर अस्ति। दक्षिणस्याम दिशि विशाल हिंद महासागर जलनिधि हिंद महासागर अस्ति। सः अपि इमं शत्रुभ्यः रक्षति। अत्र गंगा यमुनयो नद्यो जलं सुधा सदृशं प्रवहति। अत्र गंगा यमुना नद्यो जलं सुधा सदृशं प्रवहति। यानी कि यहाँ पे गंगा यमुना दोनों नदी बहती हैं, जिसका जल जो है अमृत के समान है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगी, इसी का अर्थ समझाई हूँ। घर पे आप लोग लर्न करेंगे और इस वीडियो को देख करके इसका अर्थ समझेंगे। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।